बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। हबीबाज़ किचन में एक बार फिर बहुत ही मज़े की नई रेसिपी के साथ खुशामदीद। आज हबीबाज़ किचन में हम बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती और बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आज हम बना रहे हैं मलाई रोल रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मलाई रोल डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी रेडी करेंगे, और उसके लिए हम डालेंगे फ्राई पैन में 4 से 5 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं रहने देंगे। मिक्स करने के बाद दूध को हम बॉयल होने देंगे, और इस दौरान हम फ्लेम मीडियम रखेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अभी हम डालेंगे 1 कप यानी कि 250 ग्राम दूध की बलाई। और दूध की बलाई डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें से हम हाफ रबड़ी निकाल लेंगे मलाई रोल्स की कोटिंग के लिए, और बाकी जो रबड़ी है उससे हम मलाई रोल्स की फिलिंग रेडी करेंगे। और फिलिंग रेडी करने के लिए हम रबड़ी में डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए नट्स, और इनमें हैं कुछ कटे हुए बादाम और कुछ बारीक कटे हुए पिस्ते। और नट्स डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लो फ्लेम पे हम इनको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिलिंग रेडी करते वक्त फ्लेम हम लो से मीडियम रखेंगे, और चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये मलाई रोल्स के लिए फिलिंग रेडी है। अभी ये हमारे पास ब्रेड के स्लाइस हैं, इनके हम इस तरीके से किनारे हटा लेंगे। अभी हम फिलिंग का इस तरीके से रोल बना के ब्रेड के ऊपर रखेंगे, और ब्रश की मदद से ब्रेड के एक किनारे पर थोड़ी सी रबड़ी लगाएंगे ताकि जो रोल है उसकी अच्छे से बाइंडिंग हो सके। और अभी हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे, और इसी तरीके से हम तमाम रोल्स की फिलिंग कर लेंगे। और फिलिंग करने के बाद अभी हम रोल्स की कोटिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास रबड़ी है जो कि हमने अलहदा से निकाल के रखी थी, रोल्स को इसमें अच्छे से कोट करेंगे। रोल्स की रबड़ी में कोटिंग करने के बाद इनको डेकोरेट करने के लिए हम इनकी कोटिंग करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट से। तमाम रोल्स की डेसिकेटेड कोकोनट में कोटिंग करने के बाद इनको हम मजीद गार्निश करेंगे पिसे हुए पिस्ते से। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली स्वीट रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।